खट्टर साहब से तो हमें सिंपत्ति है, मतलब इतने बड़े भ्रष्ट सिस्टम में अपने आप को ईमानदारी के उस पर खड़े रहे, शराफत पर भी खड़े रहे। इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था स्पीकर साहब, इतना बड़ा चीर हरण तो द्रौपदी का भी नहीं हुआ था। ऐसे मतलब जिस तरह से बेआबरू होके निकले तेरे कुछ, ये कोई राजनीति खेल थोड़ा है, कोई स्वाभिमान भी होता है, इज्जत भी है, पगड़ी भी है, हमारे संस्कार भी हैं, कोई राजनीति सब कुछ थोड़ा है। मतलब एक ऐसी टूटी हुई बस, मतलब ऐसे शरीफ आदमी के हाथ में पकड़ा दी, जिस बस का जो है जी ओरन नहीं बाजता और सब कुछ बजता है, ऐसे हालात जो है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है सर कि जो एंटी इनकम्पेंसी के हिसाब से जो बदलाव आया है, यानी पानी वही है, पोल्यूटेड वाटर वही है, बोतल बदली है, चाहे वो हरी बोतल में डाल दो चाहे पीली बोतल में डाल दो, इंटरनल कंटेंट वही है। जब तक उसकी कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म, उसकी कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगी, वाटर तो वही है। तो इस हिसाब से मेरा कहने का मतलब ये है स्पीकर सर कि आज जो एंटी इनकम्बेंसी है वो व्यक्ति की वजह से नहीं थी, सिस्टम ब्रीड अनस्टेबिलिटी, सिस्टम ने इतनी जबरदस्त अस्थिरता हरियाणा प्रदेश के लोगों में, जनता में कर दी। आप देखो जी स्पीकर साहब, माध्यम से इस देश का और प्रदेश का जो है खुशहाली और सुख समृद्धि का रास्ता गुजरता है वो किसान सड़कों पर बैठा है, किसान का बैठा बताऊंगा वो भी बैठा रहे, तेरे तो लॉलीपॉप ठहर है अपनी अपनी तो तुस्सी था लॉलीपॉप ने, अपनी लॉलीपॉप तुस्सी जा तेरे तो ठहर ही से यार, चल प्लीज प्लीज दलाल साहब प्लीज, ये स्पीकर साहब को लाइसेंस ले रहे इसको, नहीं नहीं प्लीज ना, इसको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा। एवरी टाइम ही स्पीक्स लाइक दैट, एनीबॉडी स्पीक्स ही स्टैंड्स अप टू स्पीक, दिस इज नॉट द वे।